2022 की जनवरी महीने की पहली बारिश रात से लगी हुई है और मौसम ठंडा हो रखा है, अब तो ऊपर भी नहीं जा सकते। Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog। तो आज का डे कुछ एनर्जी भरा और एनर्जी से ब्लॉग बनाते हुए, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा सुहावना सा हो रखा है। तो जनवरी मंथ की ये पहली बारिश है जनवरी 2022 की, तो अच्छा लग रहा है और ठंडा ठंडा भी लग रहा है और चिल्ड तो नहीं है, ठंडा लग रहा है ना, ज़्यादा वाला फ्रीजी नहीं लग रहा ना। कल रात की ऐसी लगी हुई है और बढ़िया लगता है ऐसा मौसम, लेकिन एक चीज़ होती है, क्या कहते हैं, अपना बाहर नहीं जा सकता बंदा बाइक पे। और दूसरा क्या है, अभी कंचन थोड़ी देर पहले निकल चुकी है रेनकोट डाल के, क्योंकि उसको जॉब पे भी जाना होता है तो वो ज़रूरी है। एक मेन बात वो क्या है कि आज सुबह सुबह हो गया है हमारा नुकसान। वो क्या हुआ, मम्मी ने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ था, जो अभी रिसेंटली लिया था अक्टूबर में, 14 अक्टूबर को लिया था मैं भी, तो वो ऐसे चार्जिंग पे लगाया कि इसकी कॉलिंग ही नीचे गिरा और सारा टूट चुका है। और मम्मी पहले बोलते थे कि इसको गार्ड वगैरह डलवा दो, मैंने नहीं डलवाया, लेकिन ऊपर तो डलवा दिया था, लेकिन जो सेफ्टी गार्ड होता है वो नहीं डलवाया, इसको नीचे गिरा, ये टूट गया और नहीं चल रहा, स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, ये चल नहीं रहा, आ रहा है रीबूट ऐसे कुछ आ रहा है, चल नहीं रहा, तो अभी पता नहीं इसको दिखाऊंगा, ये तो वारंटी में भी नहीं होगा क्योंकि इसकी सारी स्क्रीन जो टूट चुकी है, शायद मैंने इंश्योरेंस ना करवा रखा हो, तो अभी कंफर्म नहीं है। मैंने सुबह बिल वगैरह चेक किया तो उसमें तो इंश्योरेंस देखा नहीं, ना ही कोई मेरे को मेल आया हुआ है, तो ये लगता है 7,000 का नुकसान हो गया। तो हाँ, अच्छा हुआ मैंने 7,000 का लिया था। मैं पहले भी बता रहा था कि फ़ोन 10,000, 12,000, 15,000 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि मैं इतने अपने लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये नीचे गिर जाते हैं और एक 1.5 साल लाइफ होती है इसकी। तो फिर वही बात हुई ना, नीचे गिरा, टूट गया, तो अभी 7,000 का कुछ ज़्यादा दुख है भी है, कुछ ज़्यादा है, अगर ज़्यादा महंगा लिया होता तो ज़्यादा दुख होता। तो अभी कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, फ़िलहाल इसको सही करवाते हैं। तो अभी है तो नए, लेकिन डिस्प्ले टूट चुकी है, तो अभी क्या कर सकते हैं, जब नुकसान होना ही है तो हो चुका है। तो सुबह सुबह खा लिया है हमने 7,000 का नुकसान, और अगर तो इसकी वारंटी हुई ना फिर तो हो जाएगा, वो इंश्योरेंस जो एक्स्ट्रा होती है आई थिंक है नहीं, मैंने तो चेक कर लिया, खर्चों पे खर्चे आ रहे हैं इस महीने में। तो फ़ोन भी टूट गया बीच में, तो सुबह सुबह थोड़ा सा झटका लगा, अभी क्या कर सकते हैं। अन्वित चाचा, ओ कहाँ हो, क्या कर रहे हो, देखो सारी उतर पुतर कर रखता है ये, मम्मी के क्लिप वगैरह निकाल के इसने फेंक रखे हुए हैं, ये देखो सब कुछ बिंदियाँ खाता है ये, निकाल निकाल के इतना शरारती हो रखा है। बढ़िया, कैसे हो, हाँ जी, ई हाँ लिपस्टिक लगा लिया आपने, खराब कर दिया, मम्मी ये पकड़ो जो सारा कलर कर देगा, दो इधर मम्मी का, दो 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 दो, ये लो ये लो, ये देखो जिद्दी बच्चा, नहीं बेटा ऐसे नहीं लेते, ये नहीं लेते बेटा, नहीं बेटा ये नहीं लेते, चलो 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 कोई बात नहीं, ये देखो। अच्छा कैसे हो चाचा, हो हाँ लिपस्टिक लगाई मम्मी, दो इसको लिपस्टिक लगाऊं मैं, हाँ चलो हेलो कर दो सभी को, हेलो कर दो और आंख भी मार दो, किसी भी कर दो सभी को, चाचा हो कैसे हो, कैसे हो नम्मा, नम्मा हाँ नम्मा से याद, बराबर बोलो कैसे हो, बोलो कैसे हो, अपने मूड का है तो अभी खेलने दो इसको, इसको कैमरा पकड़ना है, कैमरा पकड़ रहा है कि मैं व्लॉगिंग करूंगा, बड़ा होगा ना फिर करेगा। और आप बोल रहे थे कि नमन को नहीं दिखाया बहुत दिनों से, तो नमन को जल्दी हम दिखाएंगे, अभी फिलहाल वो स्कूल के लिए गया हुआ है, तो किशु भी आज नहीं आया क्योंकि बारिश लगी हुई है, तो घर वालों ने उसे रजाई में कार्टून देखने के लिए लगाया हुआ है। और हाँ मम्मी आज ना थोड़े से इमोशनल से हो गए, पता क्यों, मम्मी का फ़ोन टूट चुका है, मम्मी कह रही है तुम्हें फ़ोन आ भी नहीं रहा, हो जाएगा जल्दी से, ठीक है घबराना नहीं, तभी मैं बोलता हूँ उसको संभाल के रखा करो, ऐसे रख देते हो आप, है मम्मी 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 कह रहे कि आपने कवर नहीं डलवाया तब टूटा, और इससे अच्छा मम्मी कह रहे कि छोटे वाले बढ़िया, नोकिया वाले हो ऐसा नहीं आपको टच आता तो है चलाना, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, अब तो बहुत डेंजरस लगती है ये वाली जगह, ये देखो कैसे हो जाता है, लेकिन हम सभी साथ में होते हैं और ग्रिलिंग भी करवाना है, क्या करे हर मंथ बड़े बड़े खर्चे, कभी डॉक्टरों के, कभी फोन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ,
और अकेले मैनेज करना मुश्किल होते हैं चीजें। मामू मामू कैसे हो? यही वाली जगह पसंद आती है मेरी तरह, क्योंकि ये सभी बच्चों की फेवरेट प्लेस है और मेरी भी, घर वालों की भी, क्योंकि यहाँ पे ना धूप, बारिश, हवा, अंधेरा, चांद, सितारे, सब चीज़ों का नज़ारा मिल जाता है यहाँ पे बैठ के। तो अभी फिलहाल मैं शॉवर लेके फ्री हूँ, तो क्लिप लगाया तो बाल मेरे से ऐसे हवा में डोल में डोल कर रहे हैं। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि कंचन यहीं पे रहती है। कंचन जी अपने ससुराल में रहती है, बहुत बढ़िया रहती है, और कैसे रहती है ये आपको मिल जाएगी उसके ब्लॉग में देखने के लिए। उसका ब्लॉगिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने उसे बोला कि कंचन तुम अपने ससुराल में रहते, अपने ससुराल के ब्लॉग बताओ, बनाओ और दिखाओ। जो लोग कमेंट करते कि ससुराल में नहीं रहती, ससुराल में कैसे रहती है, तो उनको ये देखने की मिल जाएगा कि कैसे रहती है। वो ज्वाइंट फैमिली में रहती है और अच्छी रहती है। तो अभी फिलहाल मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए आई है, पूरे 6 महीने बाद वो घर आई है, और उससे पहले वो कम आती थी कि ठीक है तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब होगी तो इस वक्त आना ज़रूरी था। और मैंने ही उसको फ़ोन किया हुआ था क्योंकि मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, तो मम्मी के पास चले जाओ क्योंकि मम्मी अकेले है वहाँ पर। तो इसलिए कंचन आई है, और बच्चों वाली है, वो जॉब करती है, तो बच्चों को भी मैनेज करना है, बच्चों और जॉब भी करनी है, और घर को भी देख रही है, और बहुत बढ़िया तरीके से देख रही है। हाँ जी, और जल्दी अपने ससुराल के ब्लॉग बनाएगी। बोला उसको, कह रही कि नहीं अंकुश मैं इधर के नहीं बनाऊंगी क्योंकि तुम इधर करते हो। मैंने कहा ठीक है, इधर के मैं करूँगा, तुम अपने ससुराल के करो, अपनी फैमिलीज़ को दिखाओ, तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो अपना दिखाओ, कुकिंग का टैलेंट है कुकिंग को दिखाओ, सोशल मीडिया है कुछ गेन करो वहाँ से, और अच्छा मैसेज दो दुनिया को, जो कि हम दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर भी और कंचन के ऊपर भी, और आप लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट है, तो थैंक यू इसके लिए। उसका जो चैनल था मम्मी की रसोई, उसका नेम वगैरह भी सजेस्ट करना है, वो करना है, लेकिन उसको एक्सेस वगैरह मैंने दे रखे हुए आज से 6-7 महीने पहले ही, वो लेकिन वो कर नहीं रही थी, लेकिन जल्दी ही करेगी, तो आपको भी मिलेगी कंचन के ब्लॉग जल्दी ही देखने के लिए। कल मम्मी जा रहे हैं नीचे गाय को खाना डालने के लिए, अंबित भी जा रहा है साथ में, और पक्षी ले रहे हैं बारिश का पूरा पूरा आनंद। और हाँ, कमेंट्स आ रहे थे जो कि थोड़ा सा लगा मेरे को, मैंने कहा बोलना चाहिए इसके लिए, उसको कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे के साथ यहाँ पे डिस्टर्ब हो, लेकिन बच्चे को भी देख रही है, वो जॉब भी कर रही है और मम्मी को भी देख रही है, अपने टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया हो, आप सभी देख ही रहे हो, तो बहुत सी चीज़ें जो कि मैं दिखाता भी नहीं हूँ कि किस तरीके से मैनेज करना है, वो हमारे घर की सिचुएशन है कि हम खुद उसको तरीके से कर लेते हैं, लेकिन सब मिल बांट कर काम करते हैं और सब बढ़िया है। तो अपने ससुराल में भी वो ऐसे ही करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, और कहते हैं कि बहनें घर ख़राब करती है, मैं कहता हूँ कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहन किसी का घर ख़राब नहीं करती, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इस वक्त माता जी बीमार है ना, उसको वो नहीं आएगी तो कैसे चलेगा हमारा। जब मम्मी ठीक हो जाएंगे, उसको लगेगा कि नहीं अभी मम्मी मैनेज कर सकते हैं, अंकुश मैनेज कर सकता है, तो वो अपने ससुराल चले जाएगी। दो दरानी और जेठानी है, और अपने आप को मैनेज कर लेती है, अगर एक हफ्ते क्या मतलब जब उनको जाना होता है अपने ससुराल मायके में वो चले जाते हैं, जब इनको आना होता है तो ये आ जाते हैं, तो दोनों अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं और एक दूसरे की सिचुएशन को समझ लेते हैं कि किसको कितनी ज़रूरत है। तो ये सब आपको मिल जाएगा इनकी फैमिली का देखने के लिए इनके व्लॉग्स में जल्दी ही। सिस्टर को मैंने बोला कि अपने व्लॉगिंग के लिए अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ो, और ये सब होगा आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। आज खाने में दाल और चपाती। बिल और कर रहा है धक धक दिल, नो बेटो छोड़ते नहीं कर ले, बेटा नीचे मत फेंक ना, दे देना मेरे को। लो दो मामू को, मामू को दे दो कैमरा, मामू का। हां गुड बॉय। मासी जी आए मम्मी के पास, कल मम्मी हॉस्पिटल गए थे ना, और मैंने कहा मासी आए हालचाल पूछने के लिए, क्योंकि मासी जी को भी शुगर है, और दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं क्या बताया डॉक्टर ने। मम्मी का फ़ोन रिपेयर करवाने के लिए आया हूँ, तो सर्विस सेंटर मिल गया मेरे को, आई थिंक इसकी इंश्योरेंस हुई है, मैंने कंफर्म किया जहाँ से मैंने परचेज किया था।
स्क्रीन नहीं टूटा, मेरे को ये था कि स्क्रीन टूट गया होगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम वाला स्विच था ना वो अंदर को चला गया। तो भैया बोल रहे थे कि आपने कहीं बाहर से खुलवाया, मैंने कहा नहीं खुलवाया बाहर से, तो भी चेक किया तो सही है तो चल गया, शायद वो स्विच की वजह से अंदर को हो गया, तो ज़्यादा बड़ी रुपये नहीं आज की डे में मिल जाएगा हमें। मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, बादल ही बादल, देख के याद आया मेरे को भी सेट करवाना था जो मेरा फ़ोन था वो सही हो गया। तो उनसे करना पड़ेगा सर्विस वालों से, सर्विस वो क्यों प्रोटेक्शन के लिए उसकी डिस्प्ले के लिए है ना, वो तो उनको कर लेंगे ये बात भैया ने सही बताई, एक्सेप्ट कर लेंगे। फोन हमारा सही हो गया, 7000 रुपये का नुकसान होते होते बच गया, खतरनाक है। बारिश चल रही है, बारिश बारिश में घूमने का मजा ही अलग होता है। बारिश चली हुई है हल्की हल्की ड्रिजलिंग, और मैं अभी घर पहुंच चुका हूं। मम्मी और अंकित फिलहाल इधर कर रहे हैं विश्राम, सो रहे हैं। मम्मी दोनों सो रहे हैं, उठ जाएगा। बहुत दिन हो गए मैंने अपना वेट चेक नहीं किया, तो फिलहाल पहले अपना वेट चेक करते हैं। 62.3, और कपड़े भी पहने हुए हैं तो इट मीन्स मतलब मेरा जो वेट है वो है 60 किलो, 61.5 समथिंग ये हुआ। मम्मी को तो पता ही नहीं, उनका फ़ोन था वो जो सही हो गया, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये तो बड़ा वाला नुकसान होने वाला था। मैं फ़ोन कहाँ रखा, कहीं ऐसा नो मिसप्लेस हो गया मेरे से, जैकेट की पॉकेट में है ये रहा फ़ोन, और सही हो गया। मम्मी मम्मी फोन ये लो, हो गया सही, मम्मी कह रहे सोने दो, ये रखा ठीक हो गया, ये उड़ जाएगा चाचा वो लाइट ऑफ नहीं तो उड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से हैंडल करना पड़ता है क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बहुत शरारती हो जाते हैं। तो भी मैं घर आया था और कल को मैंने बताया कि अमन को चले जाना है, तो शायद आज मैं भी उसके बाद जाऊँ थोड़ी टाइम के लिए ताकि कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, और बाकी तो पता है फिर पता नहीं कब मिलेंगे, 4-5 साल बाद मिलेंगे। कि गर्मा गर्म थोड़ी सी चाय बना के, और खाना तो मैंने सुबह खाया था और ये तो खिचड़ी तो नहीं खानी, मम्मी का खाना होता है ना एक टाइम, ज़्यादा नहीं खाते मम्मी खिचड़ी क्योंकि बार बार हम खिचड़ी भी नहीं देते, उनको चपाती भी देते हैं क्योंकि शुक्र है चावल भी ज़्यादा नहीं अच्छे होते सेहत के लिए, तो बस ये था। और बाहर जो मौसम है बहुत बढ़िया हो रखा है, और अभी हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको वहाँ पे जाके हिमाचल में, तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, और होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, रेट कर लेते हैं, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।